गरीब की जिंदगी। सुंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। उसके पति हाल ही में गुजर जाने की वजह से उसके परिवार को आधार देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए राधा हमेशा कुछ न कुछ काम के तलाश में रहती थी। ऐसे ही एक दिन राधा ने अपने घर का काम खत्म किया और काम की तलाश में घर के बाहर निकल पड़ी। उनके गाँव में एक हलवाई की दुकान थी। राधा उस दुकान में गयी। नमस्ते भाई साहब, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं बहन, मेरे यहाँ फिलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। भाई साहब, आप मुझे बर्तन मांजने बोलोगे तो भी मैं कर दूंगी। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मगर मेरे यहाँ कुछ काम ही नहीं है। तुम चाहो तो शहर जाकर मेरे भाई की दुकान में काम कर सकती हो। मैं उससे बात करूँगा, वो तुम्हें काम पर रख लेगा। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जाना कौन से शहर है? अरे बहन, हमारे गाँव के नजदीक है ना किशनगढ़, वही शहर। मैं तुम्हें उसके दुकान का पता देता हूँ। ठीक है भाई साहब। राधा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधा और सूरज किशनगढ़ के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचकर राधा दिए हुए पते पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर, नमस्ते भाई साहब, मैं सुंदरपुर से आई हूँ। भाई साहब ने मुझे आपके यहाँ काम के लिए भेजा है। हाँ हाँ बहन, आओ, तुम्हें यहाँ कुछ बर्तन साफ करने होंगे, खाना वगैरह यही मिलेगा और महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा, चलेगा ना? हाँ भाई साहब, चलेगा। मैं काम पर कब आ सकती हूँ? कल से आ जाना बहन, ठीक है? आज रहने का बंदोबस्त कर लो। जी भाई साहब। ऐसा बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। तभी सूरज उससे पूछता है, माँ अब हम कहाँ रहेंगे? देखते हैं बेटा, कोई किराए का मकान ढूंढते हैं। मगर उस दिन उन्हें कोई मकान किराए पर नहीं मिलता। वो दोनों पूरी रात सड़क पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही जल्द ही दोनों माँ बेटे उठकर दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दुकान का मालिक राघव वहाँ आता है और राधा को इतने जल्दी आया हुआ देख, अरे राधा बहन, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आई हो? भाई साहब, जल्दी उठकर यहाँ चली आई। और ये सामान? वो कल रात हमें कोई मकान किराए पर नहीं मिला, इसीलिए ये सामान भी साथ लेकर आई हूँ। ये बात सुनके राघव को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहता है, जब तक कोई मकान नहीं मिलता तब तक तुम यही रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे भाई बोलती हो और एहसान की बात करती हो। राधा अपना सामान दुकान के एक कोने में रखकर अपना काम शुरू कर देती है। वो पूरे दुकान की साफ सफाई कर देती है और फिर बर्तन मांजना शुरू करती है। वहाँ बेटा सूरज भी दुकान में बैठकर राघव की छोटी मोटी मदद कर देता है। ये सब देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह हर रोज राधा और सूरज राघव की दुकान में मन लगाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में राधा ने अपने लिए एक किराए का मकान भी ढूंढ लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव ने राधा के काम से बहुत खुश होकर उससे कहा, बहन तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में काम करो, तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए होगी। धन्यवाद भाई साहब। राघव उसे अपने बंगले का पता देता है। अगले दिन राधा और सूरज उस पते पर बताए हुए बंगले में जाते हैं। वहाँ उन्हें राघव की पत्नी सोनिया मिलती है। जी क्या चाहिए आपको? जी हमें राघव भाई साहब ने यहाँ भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अच्छा तो आप वो हो, मुझे इन्होंने बताया था, मगर इस घर में काम करना है तो मेरी शर्तें तुमको मंजूर करनी पड़ेगी। जी मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा ही काम होगा। देखो मेरा बेटा विक्की है, किसी ने उसकी चीजों को हाथ लगाया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हारे बेटे को बता देना कि उसके कमरे में ना जाए, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी मालकिन, जैसा आप कहें, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसे ही एक दिन सूरज को विकी के खिलौनों में से एक गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो उसे लेकर खेलने लगता है। ये देखकर सोनिया उस पर चिल्लाती है, रखो वहाँ, तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसने कहा? राधा? उसकी चीख सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, तुम्हें पता है ना विकी के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है? मालकिन गलती हो गई होगी, मालकिन छोटा समझकर माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर राधा की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ ठीक है, मगर आज के बाद विक्की के किसी भी सामान को सूरज ने छूना नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं याद रखूंगी और उसको भी समझा दूंगी। सोनिया वहाँ से चली जाती है और राधा अपने बेटे को समझाने लगती है। सूरज तुम्हें बताया था ना कि विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, फिर तुमने उसकी गाड़ी को हाथ क्यों लगाया? माँ मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था।
बेटा आज के बाद विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? हाँ माँ, नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही एक दिन राधा सब्जियाँ लाने के लिए बाजार गई थी और सोनिया भी बैंक का कुछ काम होने की वजह से घर से बाहर थी। घर में सिर्फ विकी और सूरज ही थे। विकी अपने कमरे में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल घर में एक जगह ऊपर अटक गई और उस बॉल को निकालने के लिए विकी ने एक कुर्सी ली और उस पर चढ़ गया। उस बॉल को निकालते निकालते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुर्सी से नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर सूरज वहाँ आया और उसने देखा कि विकी बेहोश हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो मदद ढूंढने के लिए तुरंत घर के बाहर निकला। वहाँ उसे एक आदमी दिखाई दिया और सूरज उससे मदद मांगने लगा। चाचा चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, मगर क्या हुआ है बताओगे? सूरज सारी बात उस आदमी को बता देता है और उसकी मदद मांगता है। अब वो आदमी सूरज के साथ घर में चला जाता है। वो विकी के पिताजी को फोन करके सब बता देता है और तुरंत विकी को अस्पताल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद सोनिया घर आकर देखती है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पति को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि विकी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तभी राधा वहाँ आती है। मालकिन, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? अरे विक्की कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश पड़ गया है और उसे अब अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। कुछ नहीं होगा विक्की को, चलो हम अस्पताल जाकर देखते हैं। ऐसा बोलकर सोनिया और राधा अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सोनिया रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। डॉक्टर, कैसी है विकी की तबीयत? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, मगर समय में अस्पताल में लाने की वजह से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मेरा नहीं, इस आदमी का कीजिए जो समय रहते इसको यहाँ पर लेकर आया। जी डॉक्टर भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इस बच्चे ने किया है। इसी ने मुझे बुलाकर अस्पताल में लेकर जाने के लिए कहा। अगर इसने समय पर कुछ नहीं किया होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसके तेज दिमाग की वजह से ही आपका बच्चा बच पाया। आप सही कह रहे हो बेटा सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, ये तो मेरा दोस्त है ना, मैंने अपने दोस्त के लिए सब किया। राधा, आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो, हमारे ही घर में रहोगी, समझी? सच में मालकिन? हाँ, मुझे ऐसे प्यार करने वाली बहन और बेटा हमेशा के लिए चाहिए। और इस तरह से अब राधा और सूरज राघव के परिवार का एक हिस्सा बनकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब।